अस्सलाम वालेकुम मेंबर, दिस इज़ रुहैल अहमद और आप लोग देख रहे हैं रुहैद अहमद व्लॉग्स। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नया फूड ब्लॉग लेकर आए हैं आपके लिए और आज जिस जगह आए हैं वो है मिस्टर अरब शवरमा है, जो काफ़ी फेमस है, जो सऊदीया का टेस्ट है यहाँ पे और काफ़ी इसकी खासियत है, आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आज का व्लॉग जो है एक शवरमे का व्लॉग है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। और आज जो है मैं अकेले नहीं आया हूँ और मेरे साथ हैं आज मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, ये सोल मेट्स हैं। और अगर सोल आप ये रू वाली समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, मैं सोल वाली बात कर रहा हूँ जूते की, क्योंकि हम लोग कॉलेज में एक जैसा जूता पहनते थे तो हम लोग वाले सोल मेट हैं। तो जब आपके ये कॉलेज के फ्रेंड्स आपके साथ हों तो फिर हर व्लॉग की बात ही अलग हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कि जो एक खासियत है अगर आप देखें जो ये दूसरे शवरमा को डिफरेंशिएट करता है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारकोल के ऊपर बारबेक्यू होता है। आपने बहुत सारे शवरमे देखे होंगे ज़्यादातर वर्टिकल पोजिशन के अंदर वो एक रॉड के ना लगे होते हैं और वो बर्नल के ऊपर बर्न हो रहे होते हैं, बट यहाँ के सीन्स अलग हैं। और यहाँ पर जो शवरमा है वो वर्टिकल पोजिशन में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल पोजिशन के ऊपर चारकोल के ऊपर बारबेक्यू हो रहा है। तो सारी जो टेस्ट की बात है वो है बारबेक्यू जो हो रहा है उसके पैसे हैं सारे। तो आएँ आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे शवरमा बनता है और आपको टेस्ट करके बताएंगे ये किस तरह का यहाँ पे टेस्ट है। तो बैक पे आप मेरे देख सकते हैं अरब है और इसकी लोकेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जमशेद रोड कहलाता है, न्यू टाउन मस्जिद है वो सामने, अगर आपको पीछे देख रहे हो तो न्यू टाउन मस्जिद है। न्यू टाउन मस्जिद से आप जब सामने आते हैं तो ब्लू क्रॉस के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाएगा। तो सिंपल लोकेशन है, जब आप वहाँ से गुरु मंदिर सामने है, गुरु मंदिर से जब आप लेफ्ट के ऊपर आएंगे मीरठ कबाब वाली लाइन के अंदर, अगर आपको इजीली बताऊं तो ये मीरठ कबाब वाली लाइन के अंदर है। तो मीरठ कबाब से आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो ये आपकी बिल्कुल ब्लू क्रॉस के सामने पड़ेगा, आपको सामने ब्लू क्रॉस नज़र आ रहा होगा, ये सामने ब्लू क्रॉस है, इसके सामने बिल्कुल है। तो एक ईजी लोकेशन है, आप लोग आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, डाइन इन भी है, बाकी आप अगर गाड़ी में आते हैं ऑर्डर करते हैं तो गाड़ी में ले भी खा सकते हैं। बताइएगा आप ये सबसे स्टार्ट करा हो, क्या इसका कॉन्सेप्ट था, क्या इसकी स्पीड जो आपने यहाँ पे स्टार्ट करा? ये हम सऊदी में पैदाइश हमारी सऊदी की है, वहाँ से मैं आए कि यहाँ पे हर साल आते थे पाकिस्तान बच्चों के साथ हॉलीडेज़ पे, तो शावरमा जो बच्चे हमारे पसंद करते थे सऊदी वाला शावरमा यहाँ पे वहीं मिलता नहीं था, इसलिए हमने वहाँ से सोचा कि भाई वहाँ पर भी हमारी अलहमदिल्ला एक ब्रांच है मेरे एक पार्टनर की, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके हमने कहा भाई पाकिस्तान में अपने मुल्क में वो शुरू कराया जाए जो नहीं है पाकिस्तान में वो शावरमा। तो चारकोल पे फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में शुरू करा, लॉन्च कराया। ये न्यूटाउन मस्जिद के सामने है, इसमें हमारा शावरमा अरबी शावरमा प्लेटर फेमस है, ट्राई करें आप इंशाल्लाह, अपने व्यूअर्स को भी बताएं। तो ये कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट करे भाई? 2 साल हो गए। ये कौन सा फ्लेवर है? कॉकटेल। नहीं, अभी आप शावरमा कौन सा बना रहे हैं? अरबी शावरमा। तो ये अरबी शावरमा बन रहा है। हमारा प्लेटर रेडी हो रहा है, अब ये चिकन इसके अंदर, फिर इसके ऊपर सॉसेस डाले जाएंगे। Thank you.
आइटम हमारे सामने आ गया है और इसको टेस्ट करते हैं और आपको फूड रिव्यू करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे टेस्ट है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले बता दूँगा क्या क्या हमने मंगाया है। फर्स्ट ये आप देखें अगर, तो ये है पिज़्ज़ा प्लेटर अपना शवरमा प्लेटर, और जो है ये है पिज़्ज़ा अपना शवरमा अरब, और जो ये है शवरमा सरूप। तो ये तीन मैंने मंगाए जो इनके यहाँ के हॉट आइटम है। तो तीनों इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और उसको आपको बताएंगे किस तरह का है। पहले मैं आपको उसकी प्राइस बता दूँ, ये है 620 का प्लेटर जो है इनका, और 2% की सर्विंग है, ये आराम से 2% इसके अंदर खा सकते हैं। और ये है पिज़्ज़ा शवरमा अरब, इसके इसके प्राइस हैं 360 और इसके प्राइस 300। तो चले आए दोस्तों ट्राई करते हैं। इसकी पहले चिकन है और सॉसेस भी इन्होंने दिए हुए यहाँ पे, तो पहले इसका बाइट लेते हैं थूम सॉस के अंदर इसके। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। चिकन जब बारबेक्यू होती है तो उसका टेस्ट ही आपको अलग ही हो जाता है बिल्कुल। अगर आप देखें जवर्मों के अंदर दूसरों में, तो वो बर्नर के ऊपर बर्न हो रही होती है, लेकिन इसका जो चारकोल का जो फ्लेवर आ रहा है ना, सारे पैसे उसके हैं भाई। तो 2% की सर्विंग के अंदर है ये इनका प्लेटर, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सॉसेस इनके हैं, ये सॉसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। ये जो पीटा ब्रेड है इनकी, ये शवरमा के साथ इसके प्लेटर है, प्लेटर के साथ सर्व करते हैं। तो ये थोड़ी थिक सी है, बाकी वैसे अगर आप शवरमा लें बाहर से तो उनकी जो ब्रेड होती है उसमें ये वाली ब्रेड यूज़ होती है, बट इनके जो शवरमा है इसमें जो ब्रेड यूज़ हुई है बिल्कुल चपाती की इतना पतली होती है। तो ये बाहर अगर आप जाएँ अरब वगैरह मवालिंग, तो वहाँ पर इसी उसके अंदर रोटी के अंदर जैसे चपाती कहते हैं या ब्रेड, तो इसके अंदर ही दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो इस ब्रेड के अंदर आपको मिलता है। तो ये ब्रेड आपको प्लेटर के साथ मिलती है, तो ये ब्रेड के साथ ट्राई करते हैं इसको पहले। बहुत ज़बरदस्त VIP, रेकमेंड करता हूँ, जब भी आए प्लेटर ज़रूर ट्राई करिएगा इनका। अभी ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा शवरमा अरब, मेरे मुँह से बार बार पिज़्ज़ा निकले जा रहा है, बट शवरमा अरब है ये। तो ये ट्राई करते हैं इसको। बहुत आउट क्लास भाई, सारे शवरमों को पीछे छोड़ दिया। इसका जो टेस्ट है ना, सारे पैसे मैं आपको बता रहा हूँ बारबेक्यू के, जो बारबेक्यू का फ्लेवर जो आ रहा है ना चारकोल का, बहुत मज़ेदार। ये है सरूप जंबो, तो ये ट्राई करते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं इसका, अब इसका साइज़ देखें आप कितना बड़ा इसका साइज़। तो ये ट्राई करते हैं। बहुत क्रीमी और सॉसी बारबेक्यू चिकन, उसके साथ सॉसेस और क्रीमी क्रीमी सा है। इसके साथ जो है फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज चिकन और सॉसेस होते हैं। तो बहुत क्रीमी सा और बहुत माइल्ड सा टेस्ट है, जो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तीनों आपको बताए ट्राई करके किस तरह से, तो रेकमेंडेड है। आप लोग भी आएँ यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, किसी न्यू ब्लॉग के साथ, किसी न्यू प्लेस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।